जय हिंद दोस्तों, आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड सेशन में, जो सेकेंड सेशन चल रहा है, इसमें क्वेश्चन 1 to 174 तक कवर किया जाएगा। यह सेकेंड सेशन का थर्ड वीडियो है, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 54 to 80 तक कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 स्टार्ट करते हैं। क्या जन्म व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? ऑप्शन ए, ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है। ऑप्शन बी, हाँ। ऑप्शन सी, पहले संरक्षक नियुक्त करना होगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी अजन्म व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है। तो कैसे किया जाएगा? ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 के अनुसार संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति के मध्य होता है, इसलिए आजाद व्यक्ति को संपत्ति नहीं दी जा सकती है। धारा 13 कहती है कि आजाद के फायदे के लिए संपत्ति अंतरण की जा सकती है। आजाद को संपत्ति का अंतरण सीधे सीधे नहीं बल्कि न्यास बनाकर किया जाता है। न्यासी उसके विधिक स्वामी होंगे और आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति धारण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। आजाद अजन्मा व्यक्ति के फायदे के लिए, आजाद को ही अजन्मा कहा जाता है, यानी आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण का प्रभाव का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम 21 धारा है। यानी पूछा ये जा रहा है कि टीपीए के अंतर्गत अजन्मा व्यक्ति का जो फायदे के लिए जो अंतरण होता है किस सेक्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सेक्शन 30। क्वेश्चन नंबर 55 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के अंतरण का प्रभाव संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 के नियम के अनुसार किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। आजाद व्यक्ति के पक्ष में हित सृजन करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए, जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण जीवनकालीन हित का सृजन। ऑप्शन बी, अंतिम जीवनकालीन हित समाप्त होने के पहले आजाद व्यक्ति का जन्म लेना। ऑप्शन सी, आजाद व्यक्ति को अत्यंतिक हित दिया जाना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से आजाद व्यक्ति के पक्ष में हित सृजन करने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है। तो उसके लिए ये आवश्यक तत्व है, जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण जीवनकालीन हित का सृजन किया जाना चाहिए। उसके बाद अंतिम जीवनकालीन हित समाप्त होने के पहले आजाद व्यक्ति का जन्म हो जाना चाहिए। ओके, और लास्ट आजाद व्यक्ति को आत्यंतिक हित दिया जाना चाहिए, एब्सोल्यूट हित, यानी पूर्ण हित दिया जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न कौन धारा अजन्मे बच्चे के फायदे के लिए संपत्ति अंतरण संबंधित है? ऑप्शन ए, सेक्शन 13। ऑप्शन बी, सेक्शन 14। ऑप्शन सी, सेक्शन 15। और ऑप्शन डी, सेक्शन 16। तो 57 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 13 यानी धारा 13 में अजन्मे बच्चे के फायदे के लिए संपत्ति का अंतरण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। अजन्मे व्यक्ति अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर निहित हित अर्जित करता है। ऑप्शन ए, अपने जन्म पर। ऑप्शन बी, जन्म के एक सप्ताह बाद। ऑप्शन सी, जन्म के 12 दिन के बाद। ऑप्शन डी, विधि में कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अपने जन्म पर। ओके, अजन्मे व्यक्ति अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर निहित हित अर्जित करते हैं कब? अपने जन्म पर अर्जित करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 20 के अनुसार आजाद या अजन्मा व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर शिशु के रूप में जन्म लेते ही निहित हित अर्जित कर लेता है। जन्म लेने के पूर्व गर्भस्थ शिशु का संपत्ति के अंतरण में समर्पित हित ही होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन आजाद व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकते हैं? ऑप्शन ए, जन्म होने पर। ऑप्शन बी, वयस्क आयु पूर्ण होने पर। ऑप्शन सी, अपना विवाह कर लेने पर।
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जन्म होने पर ही आजाद व्यक्ति क्या होता है, अंतरण उसमें आजाद व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतर उसमें निहित हो जाती है जन्म होते ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 और अपने संपत्ति जीवन पर्यंत के लिए बॉक को और उसके बाद उसके जन्मे पुत्र को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। इस मामले में आजाद व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण ऑप्शन ए वैध है, ऑप्शन बी अवैध है, ऑप्शन सी शून्य करनी है, ऑप्शन डी शून्य। सही आंसर है ऑप्शन डी शून्य है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संपत्ति अंतरण की धारा 13 के अंतर्गत आजाद व्यक्ति को तभी मान्य होगा जब वह उसके लाभ के लिए किया गया और संपत्ति उसे पूर्ण रूप से दी गई हो। प्रस्तुत समस्या में अ अपने संपत्ति जीवन पर्यंत के लिए ब को और उसके बाद उसके जन्मे पुत्र को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। उपयुक्त नियम के अनुसार आजाद व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण शून्य होगा क्योंकि उसके जीवन हित का अंतरण जीवन पर्यंत का किया गया है, न कि एब्सोल्यूट यानी पूर्णतः नहीं किया गया, गत्यांतिक नहीं किया गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। दोहरे संभावना के विरुद्ध नियम को निम्नलिखित वाद में से किसमें मान्यता मिली है, दोहरे संभावना के। ओके, ऑप्शन ए गिरिजेश दत्त बनाम दत्तादीन, ऑप्शन बी वाइट इट वी बनाम मिचेल, ऑप्शन डी अर्धेश्वरी बनाम दादा भाई, ऑप्शन डी सोफर बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाइट वी बनाम मिचेल। ओके, व्हाइट बी बना मिचेल 1890 के बाद में दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम को मान्यता मिली। दोहरी संभावना इसीलिए क्योंकि एक आजाद व्यक्ति का जन्म मिल रहा है उसके आजीवन हित दिया जा रहा है और दूसरा ऐसा आजाद व्यक्ति की संतानों का अस्तित्व में आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 संबंधित है ऑप्शन ए शाश्वतता के विरुद्ध नियम से, ऑप्शन बी प्रभाजन के सिद्धांत से, ऑप्शन सी निर्वचन के सिद्धांत से, ऑप्शन डी अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण से। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 14 संबंधित है शाश्वत के विरुद्ध नियम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 का एक्सप्लेनेशन चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम को समाविष्ट किया गया। शाश्वतता से संबंधित सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य किसी संपत्ति के स्वामी एवं समाज के परस्पर विरोधी दावे एवं प्रतिदावे का प्रसमन एवं सामंजस्य बैठाना है। क्वेश्चन नंबर 64 का कथन और करण वाला ऑप्शन ए कथन का संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उपबंध करती है। कथन नंबर आर यह नियम लोक नीति पर आधारित होता है, इसका आंसर देखा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन बी डी सॉरी ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कहने का मतलब संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उपबंधन करती है, यह भी सही है, यह नियम लोक नीति पर आधारित है, यह भी सही है और क्या आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी यह संपत्ति अंतरण अधिनियम जो धारा 14 के अंतर्गत जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है इसको स्पष्ट करता है, यह लोक नीति पर आधारित होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन ए दान के लिए अस्थायी अंतरण, ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रसंविदा, ऑप्शन सी अग्रक्रय यानी सुखा जिसे बोलते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद दान के अस्थायी अंतरण ये भी अपवाद है, व्यक्तिगत प्रसंविदा यह भी अपवाद है और अग्रक्रय यानी सुखा वह भी इसका अपवाद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। व्याख्या, शाश्वतता के विरुद्ध नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं।
पहला लोक के लाभों के लिए अंतरण, इसमें दान के लिए स्थायी अंतरण भी शामिल है। दूसरा व्यक्तिगत करार, इसमें सुधा भी शामिल है। तीसरा भूमि के साथ साथ चलने वाले प्रसन्नता। चौथा भार एवं बंधक, ये भी शामिल है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। अम्बाराम बराम फतेहवीर बहादुर ने संविदा किया कि अम्बाराम और उसके वंशज फतेहवीर बहादुर तथा उसके परिवार वाले को पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर का पुजारी नियुक्त करेंगे। निश्चय करिए, ए शाश्वतता वैध है, बी शाश्वतता वैधानिक है, सी शाश्वतता शून्य है, डी शाश्वतता का मामला है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 466 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शाश्वतता शून्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 का एक्सप्लेनेशन चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 में समाविष्ट शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी के पद पर नियुक्ति शून्य है। धारा 14 के अनुसार कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसे ही शिष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्ति के जीवन काल के और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो जिसे यदि वह पूर्ण व्यय प्राप्त करे तो वह शिष्ट मिलना हो, अप्राप्त व्यय के पश्चात प्रभावी होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 ये बता रहा है कि निम्न में कौन सा शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है। ओके, ऑप्शन ए, जब कोई संपत्ति किसी लोक हित में की जाती है। क्या यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है। ऑप्शन बी, एक ऐसे पट्टा के प्रसंविदा जिसमें नवीनकरणीय हो। क्या यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है। ऑप्शन सी, यह निहित हित पर लागू नहीं होता है। क्या यह अपवाद नहीं है। ऑप्शन डी, एक ऐसा कोष जो आगे आने वाली 7 पीढ़ी तक के लिए रखा जाए। क्या यह अपवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक ऐसा कोष जो आगे आने वाली 7 पीढ़ी के लिए रखा गया है, यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है। यानी ए और बी, ए बी और सी अपवाद है जबकि डी अपवाद नहीं है। का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। एक ऐसा कोष जो आगे आने वाले 7 पीढ़ी तक के लिए रखा गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अधीन है। जबकि कोई संपत्ति किसी लोक हित के अंतर की गई हो, एक ऐसा पटाखे प्रसंविदा जिसमें नवीनकरणीय हो तथा निहित हित पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद है। ठीक है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा यदि ऑप्शन ए, संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती हो। ऑप्शन बी, संपत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी हित सृजित किया जा गया हो। ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अंतरण ऐसा अंतिम अंतरिति की आवश्यकता के परे प्रभाव किया गया हो जो अंतरण की तिथि को अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन डी, अंतरण द्वारा समाचित हित सृजित किया गया हो। ओके, ऑप्शन नंबर 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा यदि संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 का एक्सप्लेनेशन। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 18 के अनुसार शाश्वतता के विरुद्ध नियम उन अंतरणों पर प्रभावी नहीं होगा जो लोक हित यानी जनहित के लिए, धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, वाणिज्यिक स्वास्थ्य या किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया हो जो मानव जाति के लिए लाभकारी हो, उस पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम प्रभावी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दिया गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम किस नियम पर प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन ए हिंदू विधि, ऑप्शन बी मोहम्मदन विधि, ऑप्शन सी क्रिश्चियन विधि के, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी मोहम्मदन विधि पर यह प्रभावकारी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 69 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत शाश्वतता के विरुद्ध नियम धारा 14 तथा धारा 2 में बंधित है। अधिनियम को धारा 2 के अनुसार मोहम्मदन विधि पर अध्याय 2 की बातें प्रभाव नहीं डालेंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 क्वेश्चन का देखा जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस उपबंध में प्रावधानित है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम तब लागू नहीं होता जबकि अंतरण सार्वजनिक प्रलोभ के लिए किया गया। ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन सी डी धारा 20। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी धारा 18।
संपत्ति अंतरण का अधिनियम प्रावधानित है, शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है का प्रभाव भी नहीं होता है, धारा 18 में बताया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, सार्वजनिक लाभ हेतु संपत्ति का अंतरण किए जाने की दशा में निम्न में से कौन सा निर्बंधन लागू नहीं होगा। ऑप्शन ए शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती हित का सफलता पर अंतरण का प्रभाव भी होना, ऑप्शन सी संचय हेतु निर्देश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी है जो निर्बंधन है जो संपत्ति के अंतरण की दशा में लागू नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 के अधीन अंतरण की गई अंतरण की तारीख से किसी संपत्ति के आय का संचय करने की अवधि, ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 17 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष और ऑप्शन डी 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 वर्ष। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 संचय के लिए निर्देश से संबंधित है, इसके अनुसार जहाँ संपत्ति का अंतरण इस निबंधन को निर्दिष्ट करके दिया जाता है कि संपत्ति से उद्भूत आय अंतरण के जीवन काल में या अंतरण की तिथि से 18 वर्ष की अवधि से अधिक कालावधि तक पूर्ण या भागतः संचित की जाए, वह ऐसे निर्देश अधिकतर कालावधि के संबंध में शून्य होगा। पूर्ववर्ती अवधि के अंत होने पर संपत्ति की आय वर्णित हो जाएगी, चाहे वह अवधि जिसके लिए संचयन का निर्देश दिया गया था बीत गई। अपवाद है धारा 17 निम्न दिशा में संचयन के निर्देश पर प्रभाव न डालेगी। ठीक, अंतरक या अंतरण के अधीन हित पाने वाले के ऋण या ऋणों के लिए संचय, या खंड क के व्यक्तियों के पुत्र पुत्रियों या संतानों के लिए उपन हेतु संचयन या अंतरित संपत्ति के परीक्षण या अनुरक्षण हेतु निर्देश। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नियम से कौन सी धारा संचयन के निर्देशन का प्रावधान करती है, तो अभी ही बताए थे ऑप्शन नंबर, जैसे देखा जाए ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 18। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी धारा 17 जो क्या है संचयन के निर्देशन का प्रावधान करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा, ऑप्शन ए दान के लिए शाश्वत अंतरण से, बी व्यक्तिगत व्यवहार से, सी निहित हित में, डी उपरोक्त सभी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी में शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा, जैसे कि दान के लिए शाश्वत अंतरण से, व्यक्तिगत व्यवहार से या निहित हित में शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के निम्नलिखित अपवाद है, यानी नीचे के जो अपवाद इस पर क्या होता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता, जैसे व्यक्तिगत समव्यवहार, दान अथवा धर्मार्थ, ओके, या निहित हित भार या पट्टे का अनुबंधन, ओके, या निगमित द्वारा खरीदी की संपत्ति या बंधक, इस पर क्या होता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते, ऑप्शन ए चल संपत्ति पर, ऑप्शन बी पूर्व कार्यों पर, ऑप्शन सी अचल संपत्ति पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन डी यानी पूर्ववर्ती कार्यों पर क्या होता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चला जाए। शाश्वतता के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है, ऑप्शन ए केवल चल संपत्ति पर, केवल अचल संपत्ति पर, चल या अचल संपत्ति पर, ऑप्शन डी जनता के हित के लिए हस्तांतरण। ओके, नंबर 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चल और अचल संपत्ति पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चला जाए। कौन सी धारा संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 14, 16 और 17 के प्रबंधन के अपवादों का निर्माण करता है, तो ऑप्शन ए धारा 15, ऑप्शन बी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 17 ए, ऑप्शन डी धारा 18। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 18 है जो संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 14, 16 और 17 के प्रबंधन के अपवाद का निर्माण करती है। ओके, धारा 18। क्वेश्चन नंबर 79 को चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत दिया गया है कि निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतरिती की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाता, ऑप्शन
ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 20 और ऑप्शन डी धारा 21। इसका सही आंसर हो जाता है 79 का ऑप्शन बी यानी धारा 19। इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्वेश्चन 79 का व्याख्या, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 निहित हित को परिभाषित करते हैं। इस धारा के अनुसार निहित हित कब्जा अभी प्राप्त करने से पहले अंतरिती की मृत्यु हो जाने पर विफल नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 निम्न में निम्नलिखित से संबंधित है, ऑप्शन ए निहित हित, ऑप्शन बी समस्थित हित, ऑप्शन सी संचित हित, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए या यानी निहित हित। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 का व्याख्या देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेकेंड सेशन के थर्ड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 19 निम्न में से किसे संबंधित है, ऑप्शन ए निहित हित, ऑप्शन बी समस्थित हित, ऑप्शन सी संचित हित, ऑप्शन डी ये सभी। यानी धारा 19 है जो संबंधित किसे है, निहित हित से संबंधित है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 निहित हित से संबंधित है। इसके अनुसार जहाँ की किसी संपत्ति अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई हित वह समय विनिर्दिष्ट किए बिना जब से वह प्रभावी हो गया, शब्द में यह भी निर्दिष्ट करते हुए कि वह तत्काल या किसी ऐसे घटना पर जो असंभावी है प्रभावी होगा शिष्ट किया जाता है वहाँ जब तक कि अंतरण के निर्बंधन से प्रतिकूल आशय प्रतीत होता न हो, ऐसा हित निहित हित होता है। तो आज के सेशन में यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।